हेलो, गुड मॉर्निंग जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड कैबिनेट की बैठक 10 फरवरी को होगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सहित कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। मंत्रिपरिषद की बैठक गुरुवार की शाम 4 बजे झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। कैबिनेट की बैठक को लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय की ओर से जानकारी दी गई है। सूत्रों के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सहित कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा रांची के विकास विद्यालय से नामकुम, ब्रिसास चौक से सचिवालय, विवेकानंद स्कूल मोड से रिंग रोड, राजेंद्र चौक से सिरमटोली चौक तक फ्लाईओवर सहित अन्य सड़कों से संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा भी कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। अगली बड़ी खबर की बात को तो नहीं रही, महान गायिका लता मंगेशकर 92 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। पीएम समेत तमाम दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। देश की मशहूर गायिका और स्वर कोकिला से जाने जाने वाली लता मंगेशकर का निधन हो गया है। उनके निधन से बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर है। राजनीतिक दलों से लेकर बॉलीवुड से जुड़े दिग्गजों ने उनके निधन को अपूर्णीय क्षति बताया है। शिवसेना सांसद संजय रावत ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। बीते दिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था, जिसके उन्हें आईसीयू से वेंटिलेटर में रखा गया था। रविवार को शिवसेना सांसद संजय रावत ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि महान गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया है। डॉक्टरों ने इससे पहले शनिवार को जानकारी दी थी कि लता मंगेशकर को स्वास्थ्य स्थिर होने के बाद वेंटिलेटर से आईसीयू शिफ्ट किया गया है, लेकिन अचानक बीते रोज उनकी सेहत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें फिर वेंटिलेटर पर रखा गया था। रविवार सुबह उन्होंने अस्पताल में ही आखिरी सांस ली। अगली बड़ी खबर की बात करो तो स्वर कोकिला के निधन से शोक। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, लता जी की आवाज हमेशा हमारे दिलों पर राज करेगी, यह देश की क्षति। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर चौतरफा शोक की लहर है। घटना की जानकारी मिलने के बाद रविवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लता जी के निधन से मर्माहत हूँ, यह देश और देशवासियों के लिए अपूर्णीय क्षति है। आज हर किसी की आंखें नम है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी विभिन्न भाषाओं में लगभग 30,000 गानों को अपनी सुरीली आवाज दी है। उनकी आवाज ही उनकी पहचान थी। आज उनके हमारे बीच नहीं होने से शुरू का एक कारवां थम सा गया है, लेकिन वे अपनी आवाज से हमेशा हमारे दिलों में राज करेगी। लता जी भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके गाने हमेशा उनकी याद दिलाते रहेंगे। परमात्मा दिवंगत जो पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे एवं उनके असंख्यक प्रशंसकों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अगली बड़ी खबर की बात करो तो विसर्जन जुलूस देखने जा रहे किशोर से मारपीट, मौत, छावनी में तब्दील हुआ इलाका। हजारीबाग के बरी थाना अंतर्गत नाइटांड गांव में रविवार संध्या विसर्जन जुलूस देखने जा रहे 17 साल के किशोर रुपेश कुमार की एक दूसरे समुदाय से मारपीट के बीच मौत हो गई है। वह नाइटांड गांव निवासी सिकंदर पांडे का पुत्र था। मारपीट में रुपेश गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे तत्काल बरही अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रुपेश अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। ग्रामीणों के अनुसार रुपेश सरस्वती पूजा प्रतिमा विसर्जन जुलूस देखने जा रहा था, इसी बीच दूसरे समुदाय के साथ मारपीट हो गई है। मारपीट क्यों और किस बात को लेकर हुई है, यह स्पष्ट नहीं हो सका है। इधर किशोर की मौत को लेकर इलाके में तनाव फैल गया है। ग्रामीणों द्वारा दूसरे पक्ष के लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। घटना के बाद शांति व विधि व्यवस्था कायम रखने को लेकर प्रशासन द्वारा इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करो तो मोराबादी के दुकानदारों ने निकाला कैंडल मार्च, मंगलवार से खोलेंगे दुकान। मोराबादी के सैकड़ों दुकानदारों ने रविवार को मानिया पैलेस से लेकर मोराबादी मैदान तक कैंडल मार्च निकाला। यहां पहुंचने के बाद इन दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकान के सामने खड़े होकर निगम व प्रशासन की उदासीनता रवैया के प्रति शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जाहिर किया है। साथ ही जो है न्याय की गुहार भी लगाई है। दुकानदारों ने कहा है कि 10 दिनों से उनकी दुकानें बंद रहने से अब उनके लिए 2 वक्त की रोटी का संकट पैदा हो गया है। इसी को लेकर यह मार्च निकाला गया है। बता दें कि दुकानदारों ने उपयुक्त जगह देने के लिए निगम को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, जो सोमवार को पूरा हो जाएगा। इस अवधि तक उचित निर्णय नहीं लिए जाने पर मंगलवार को दुकानदार जबरन अपनी दुकानें खोलेंगे। दुकानदारों ने कहा है कि भूखे मरने से बेहतर लाठी खाकर मरना है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
अगली बड़ी खबर की बात करो, पूर्वी सिंहभूम में 10-10 कर गिरफ्तार। झारखंड ओडिशा में सप्लाई के लिए अदरक संघ छिपाकर आसाम से लाई गई शराब की 25,680 बोतलें जब्त। पूर्वी सिंहभूम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक ट्रक से लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त की है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य सरगना समेत कुल 10 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसमें 5 लोग बिहार के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ट्रक में अदरक के बोरे में छिपाकर कुल जो है 25,680 बोतल शराब रखी गई थी। अवैध शराब की यह खेप झारखंड ओडिशा में बिक्री के लिए लाई जा रही थी। पुलिस ने कुल 105 बोरा अदरक बरामद किया है। इसके अलावा एक ट्रक, एक बेलोरो, एक एक्सयूवी को जब्त किया है। तस्करों के पास से 18 मोबाइल मिले हैं। रविवार को जानकारी देते हुए ग्रामीण SP जो है नाथू सिंह मीना ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करो, समीक्षा के बाद 7 जिलों में खुलेंगे स्कूल। बन्ना शिक्षाविद एवं राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड के सदस्य पारसनाथ मिश्रा ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। झारखंड के 7 जिलों में शीघ्र ही कक्षा 1 से 8 तक स्कूल खोलने का आग्रह किया। बच्चों के भविष्य के लिए शीघ्रता से कदम उठाते हुए 7 जिलों में स्कूल खोलने का अनुरोध किया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। मामले की समीक्षा कर जल्द ही 7 जिलों में स्कूल खोलने निर्णय लिया जाएगा। मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जल्द ही इस विषय में चर्चा कर उचित कदम उठाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात, रांची बाल सुधार गृह के झड़प में दर्जनों घायल। रिम्स में भर्ती थाना प्रभारी को भी नहीं बख्शा। झारखंड की राजधानी रांची के डोमरदगा स्थित बाल सुधार गृह में रविवार को आपस में ही बाल कैदियों के बीच हिंसक झड़प हो गई है। इसमें करीब 2 दर्जन कैदी घायल हो गए हैं, जिसमें एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घायलों को रिम्स भेजा गया है। मामले की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस पहुंची। बीच बचाव करने गई पुलिस को भी बाल कैदियों ने निशाना बनाया है। सदर थानेदार श्याम किशोर को भी चोट लगी है। घटना की सूचना मिलते ही SDO DSP थाना प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले भी बाल सुधार गृह सुर्खियों में रहा है। आए दिन लगातार नशे की सप्लाई बाल सुधार गृह में की जाती है। पुलिस हाल में ही बाल सुधार गृह के अंदर नशे का सामान फेंकते 2 लोगों को पकड़ा था। अगली बड़ी खबर की बात, पलामू के 3 स्टार होटल के मालिक को धमकी। खुद को यूपी का शूटर बताने वाले ने किया फोन, बोला 50 लाख की मिली सुपारी। पलामू के चर्चित व्यवसायी रामदास साहू को जान से मारने की धमकी मिली है। खुद को यूपी का शूटर बताने वाले एक युवक ने व्यवसायी को फोन किया, कहा कि आपको जान से मारने के लिए 50 लाख रुपए की सुपारी मिली है। अगर आप निर्धारित रकम से 1 रुपए अधिक देते हैं तो आपकी हत्या कराने की साजिश रचने वाले व्यक्ति का नाम बता देंगे। अगर आप चाहें तो अलग से पैसे देकर अपने दुश्मन की हत्या करा सकते हैं। पलामू पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मनातू थाना क्षेत्र के पदमा निवासी महफूज अंसारी 19 वर्षीय को गिरफ्तार किया है। धमकी मिलने के बाद से व्यवसायी डरे हुए हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करो, प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान 2 पक्षों में झड़प, 8 घायल। कोडरमा SP पहुंचे मरकच्चो थाना। कोडरमा जिला अंतर्गत मरकच्चो थाना क्षेत्र के उत्तरी पंचायत मरकच्चो के करबला नगर में प्रतिमा विसर्जन के लिए निकले जुलूस में 2 पक्षों में विवाद के बाद झड़प हो गई। घटना सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की तत्परता से मामले को शांत करा लिया गया है। हालांकि झड़प के दौरान एक पक्ष के 5 और दूसरे पक्ष में एक बच्चा समेत 2 अन्य यानी कुल 8 लोग घायल हो गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात, लता ने गायन से पूरे विश्व में अमिट पहचान स्थापित की। राज्यपाल रमेश बिस ने स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर गहरा दुख व शोक प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि लता जी ने अपने गायन से पूरे विश्व में अमिट पहचान स्थापित की है। भारतीय संगीत में उनके अतुलनीय योगदान को सदा स्मरण किया जाएगा। प्रखर देशभक्त व प्रेरणादायी व्यक्तित्व लता जी का जाना पूरे जो है देशवासियों एवं कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। राज्यपाल ने कहा है कि पूरी दुनिया के संगीत प्रेमी आज उदास है। उनकी सुरीली आवाज हमेशा हमारे बीच गूंजती रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करो, झारखंड के लोहरदगा में मिले पुराने हथियार। नींव खोदने के दौरान निकले तीर, धनुष, गदा और कुल्हाड़ी। DC ने भेजी टीम, ऐतिहासिक महत्व की जांच। झारखंड के लोहरदगा में एक घर की नींव की खुदाई के दौरान पुराने हथियार मिले हैं। बताया जा रहा है कि ब्राह्मण डीहा करंज डोली गांव में रहने वाले सुमन ताना भगत नाम के व्यक्ति अपना घर बनवाने के लिए नींव की खुदाई कर रहे थे। JCB से मिट्टी निकालने के दौरान जमीन के अंदर छिपा कर रखे गए कुछ पुराने हथियार बाहर निकल आए हैं। माना जा रहा है कि यह हथियार स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान के हो सकते हैं। इन हथियारों की समयावधि को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कोई इन्हें सन 1857 के बता रहा है
कोई बात के आंदोलन में इस्तेमाल हुआ मान रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करो, 57 कडरूलदा ट्रेलर जब्त, चालक सहित चार हिरासत में। कोडरमा घाटी में कडरू मवेशी लदे 18 चक्कर ट्रेलर को पुलिस जब्त कर थाने ले आई है। साथ ही वाहन चालक समेत चार लोगों को हिरासत में लिया गया है। बिहार से बोकारो जा रहे ट्रेलर में क्षमता से अधिक 57 कडरू भैंस का बच्चा रखे गए थे। मौके से चालक, व्यापारी सहित चार लोगों को हिरासत में लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करो, बाबा भोलेनाथ का चढ़ा तिलक, 23 दिन बाद होगा विवाह। तिलक हारवों ने अबीर अर्पण कर खेली होली। वसंत पंचमी के मौके पर बाबा वैद्यनाथ को पूरी विधि विधान से मंत्रो उच्चारण के साथ तिलक चढ़ाया गया। इसके 23 दिन बाद 1 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन गौरी संग बाबा का विवाह होगा। बाबा को तिलक चढ़ाने के लिए बाबा मंदिर में मिथिलांचल से आए तिलक हरवों की भीड़ उमड़ी। बाबा को जलार्पण के बाद अबीर चढ़ाकर तिलक हरवों ने मंदिर परिसर में एक दूसरे को अबीर लगाकर होली की शुरुआत की। इसके बाद तिलक हरवे वापस अपने ठहराव स्थल पर पहुंचे और जमकर होली खेली। अगली बड़ी खबर की बात करो, 12 मार्च को केंद्रीय सरना संघर्ष समिति की आक्रोश महारैली। केंद्रीय सरना संघर्ष समिति की बैठक रविवार को हुई। आयोजन डेम पार्क कांके रोड में हुई। इस दौरान स्थानीय नियोजन नीति और भाषा विवाद पर चर्चा की गई। निर्णय हुआ है कि 12 मार्च को हरमो मैदान में आक्रोश महारैली होगी, जिसमें समिति के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए समिति के अध्यक्ष शिवा कच्छप ने कहा कि 1932 के खतियान या अंतिम जमीन सर्वे को मूल आधार मानकर स्थानीय व नियोजन नीति परिभाषित करें, साथ ही झारखंड के आदिवासी मूलवासी को उनका हक और अधिकार दिलाने में न्याय किया जाए। उन्होंने कहा कि नियुक्ति नियमावली में मैथिली, भोजपुरी, अंगिका भाषा जोड़कर सरकार ने अनावश्यक विवाद छेड़ दिया है। इन भाषाओं को जो झारखंड मूल के नहीं है, उन्हें नियुक्ति नियमावली से हटा दिया जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करो, लता मंगेशकर के निधन पर भाजपा नेताओं ने जताया शोक। भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर भाजपा नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि संगीत जगत की जो अद्वितीय प्रतिभा का चला जाना देश के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए भी अपूर्ण क्षति है। उन्होंने कहा है कि लता दीदी कला क्षितिज व ध्रुवतारा की तरह सदैव आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहेगी। भाजपा विधायक दल के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि लता दीदी के निधन से मन व्यथित है। भारत रत्न लता मंगेशकर के भारतीय सशस्त्र संगीत से विश्व को परिचित कराया है। ऐसी प्रतिभाएं युगों युगों में एक होती है। ईश्वर उनकी आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे। बड़ी खबर की बात करो, लालू यादव 14 फरवरी को आएंगे रांची। 15 को सीबीआई कोर्ट सुनाएगी फैसला। चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत 15 फरवरी को रांची में सजा सुनाने जा रही है। रांची जिले के डोरंडा को सगार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी का यह मामला है। इसे चारा घोटाले का सबसे बड़ा मामला कहा जाता है। सजा सुनने के लिए लालू प्रसाद यादव 14 फरवरी को ही रांची पहुंच जाएंगे। 15 फरवरी को सुबह 10 बजे तक तैयार होकर वह होटल से सीधे कोर्ट पहुंचेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करो, लता मंगेशकर के सम्मान में झारखंड में 2 दिवसीय राजकीय शोक का ऐलान। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर झारखंड सरकार ने 2 दिवसीय राजकीय शोक का ऐलान किया है। झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने सभी जो है प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक को इस बाबत पत्र भेजा है। विभाग के संयुक्त सचिव राजीव रंजन के हस्ताक्षर से जारी पत्र में कहा गया है कि लता मंगेशकर का निधन 6 फरवरी 2022 को ब्रिज केडी अस्पताल मुंबई में हो गया है। दिवंगत लता मंगेशकर के सम्मान में भारत सरकार द्वारा 6 फरवरी से 2 दिवस की जो है राज्य के शोक मनाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में उक्त तिथि को झारखंड राज्य के उन सभी भवनों जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं पर जो है राष्ट्रीय ध्वज आधे झुक रहेंगे और किसी प्रकार के राजकीय समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करो, झारखंड छात्र संघ का स्थापना दिवस मना। झारखंड छात्र संघ के 15वें स्थापना दिवस पर रविवार को छात्र युवा मिलन समारोह का आयोजन अंजुमन प्लाजा में किया गया। केंद्रीय अध्यक्ष एस अली ने कहा कि समिति संसाधन और बिना राजनीतिक वरदहस्त के झारखंड के सवालों पर संगठन ने लगातार संघर्ष किया है, जिसका परिणाम है कि विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूल में शैक्षणिक में सुधार है। साथ ही जेपीएससी और विधानसभा नियुक्ति घोटाले सहित कई घोटाले को उजागर किया गया है। केंद्रीय महासचिव रंजीत उरांव ने कहा है कि सरकार छात्र युवाओं से किए वादों को पूरा करे। अगली बड़ी खबर की बात करो, रिम्स में कोविड पॉजिटिव के 5 मरीज घटे। राजधानी रांची स्थित रिम्स अस्पताल में कोविड पॉजिटिव के मरीजों की संख्या एक बार फिर घटी है। रांची सहित पूरे राज्य में कोरोना संक्रमित
मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। शनिवार को रिम्स में कोविड पॉजिटिव के 30 मरीज थे, रविवार को यह संख्या घटकर 25 हो गई है। रिम्स के प्रवक्ता डॉक्टर डीके सिन्हा ने रविवार को यह जानकारी दी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।